इस वेले दी एक होर वड्डी खबर दा रुख करदे आं। दरअसल बजट इजलास तो पहला कैबिनेट मंत्री दी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। सुखविंदर सरकारिया कोरोना पॉजिटिव आ गए ने। 1 मार्च तो बजट इजलास शुरू होण जा रहा है, जिस नूं लैके सारे विधायकां नूं कोरोना टेस्ट करवाउण संबंधी हदायतां दित्तियां गईआं सी, ते उहनां हदायतां दा पालन करदिआं सुखविंदर सरकारिया ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया ते इहनां दी रिपोर्ट हुण पॉजिटिव आ गई है। दस दईए कि 1 मार्च तो बजट दा इजलास शुरू होण जा रहा है। इस संबंधी सारे विधायकों नूं कोरोना टेस्ट करवाउण लई आख्या गया है, ते नाल ही इह वी कहा गया है सख्ती दे नाल कि कोरोना रिपोर्ट नैगेटिव आउण ते ही बजट सैशन दे विच एंट्री मिलेगी। सो सारे कैबिनेट मंत्रियों नूं कोरोना टेस्ट करवाउणा लाजमी होवेगा। दस दे कि भारत च लगातार कोरोना दे मामले वधदे जा रहे ने, पंजाब च मामले वधदे जा रहे ने, ते 1 मार्च तो इस संबंधी पंजाब सरकार नवीं हदायतां भी लागू करन जा रही है। तो इस तो पहला मास्क लगाउणा ते सैनिटाइजर की वरतों करन संबंधी पहला ही सख्ती नाल ऐलान कर दिते गए ने। तो हुण जिहड़ा हैगा कैबिनेट मंत्री दी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, ते नाल बाकी मंत्री दी कोरोना रिपोर्ट जिहड़ी पॉजिटिव आउंदी है जां नेगेटिव आउंदी है जदों टेस्ट करवाउणगे बाद च ही पता लगेगा, पर बजट इजलास तों पहलां कैबिनेट मंत्री दी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है।